जो भी आपने आप प्रोग्राम सिलेक्ट किया उसका टोटल टाइम आपको बता देगी। बाज लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझे सिर्फ वॉश करना है, लाइक मुझे स्पिन और रिंस नहीं करना। 9 kg का मतलब होता है ड्राई क्लोथ्स का टोटल वेट जो मैक्सिमम आप डाल सकते हैं। नॉर्मल बेसिकली फजी फंक्शन है, फजी लॉजिक है। अब ये होता क्या है कि अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आमिर उमर इलेक्ट्रॉनिक्स से, और आज हम मौजूद हैं अपने हायर स्मार्ट होम में। हमारे इस चैनल पे हायर की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स को लेके बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। अब एक क्वेश्चन होता है कि इन हायर वॉशिंग मशीन्स को किस तरह यूज किया जाए, यानी कि इसका जो कंट्रोल पैनल है उसको भी आप एक्सप्लेन कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे हायर की फुल ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन्स के कंट्रोल पैनल को, कि आप हायर की फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किस तरह यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के एंड में कुछ टिप्स दूंगा जो कि बहुत यूजफुल होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने मौजूद है हायर की टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ये सामने इसका कंट्रोल पैनल आपको दिखाई देगा। इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसे किस तरह कंट्रोल करना है। तो ये आप इसका इंटरफेस देख लीजिएगा, डिफरेंट बटन्स हैं, देन आपको यहाँ LED दिखाई देगी। लेट्स से हम सबसे पहले आते हैं इस बटन की तरफ। ये पावर ऑन ऑफ का बटन है। देन ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। इस वॉशिंग मशीन में 8 प्रोग्राम्स हैं। ये राइट हैंड साइड पे आपको 4 दिखाई देंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4। देन ये LED है। जो भी आपने आप प्रोग्राम सिलेक्ट किया उसका टोटल टाइम आपको बता देगी कि लाइक इसमें जो ये डिफरेंट प्रोसेस हैं, उसने जो वाटर लेवल लिया उस पर कितना टाइम लगा, या जो वॉश टाइम है, रिंस टाइम है, या स्पिन टाइम है। आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, खुद सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जो मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आता है इसका प्रोग्राम नॉर्मल। नॉर्मल बेसिकली फजी फंक्शन है, फजी लॉजिक है। अब ये होता क्या है कि जब लेट्स से कि आपने ये वॉशिंग मशीन नहीं ली और अभी आप इन बाकी प्रोग्राम्स को इतना नहीं जानते, तो बेस्ट ऑप्शन होगी नॉर्मल की। अब इस वॉशिंग मशीन में जो भी आप कपड़े डालेंगे, हाँ एक चीज का ध्यान रखिए, 9 kg का मतलब होता है ड्राई क्लोथ्स का टोटल वेट जो मैक्सिमम आप डाल सकते हैं। लेट्स से आपने इसमें कपड़े डाले, अब इन कपड़ों की डर्ट और टाइप को देखते हुए अब क्या होता है कि ये जो टब है इसके साइड्स पे सेंसर लगे हैं, वो इसको सेंस करेंगे और इस नॉर्मल यानी कि फजी लॉजिक का जो भी टाइम है टोटल टाइम वो यहां आ जाएगा। लेट्स से ये 38 मिनट्स है, ठीक है ना। आप इस पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक वॉशिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस है वाटर लेवल मैं चेक कर लूं कितना है, लेट्स से ये 9 है, आप चाहते हैं नहीं इसे मैं लेवल को 3 कर दूं, आपने यानी कि कम कपड़े डाले हुए हैं, और अगर आप वॉश टाइम को देखना चाहते हैं कि वॉश टाइम 2 मिनट्स है, नहीं ये ज्यादा होना चाहिए, आप अकॉर्डिंगली इसे चेंज कर सकते हैं। आप रिंस को चेंज कर सकते हैं, कितनी बार रिंस करना है, 2 बार या 3 बार या 4 बार, सॉरी 3 बार या 1 बार। इसी तरह जो स्पिन का टाइम है ये मिनट्स में होगा, इसे भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ कि जो ये प्रोग्राम था नॉर्मल, इसकी टोटल टाइम जो है वो यहाँ आ गई 23 मिनट्स। और लेट्स से हाँ, बाज लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझे सिर्फ वॉश करना है, लाइक मुझे स्पिन और रिंस नहीं करना। आप क्या कर सकते हैं, वाटर लेवल लिया, वॉश को आप मैक्सिमम 15 मिनट्स तक लेके जा सकते हैं। ये देखिए मैं इसे 15 मिनट्स पे ले जाता हूँ, ठीक है, और मैं चाह रहा हूं कि मैं रिंस ना करूं, इसको मैं 0 कर सकता हूं, ये 0 हो गया। इसी तरह आप चाहते हैं, मैं स्पिन भी नहीं करना चाहता या चाहती हूं, आप इसे 0 पे ले जाएं। अब ये 0 पे चला गया। अब ये देखिएगा इसका जो इफेक्ट आएगा इसके टोटल टाइम पे, अब ये 17 मिनट्स लेगा और वॉश करेगा, लाइक वाटर लेवल लेगा और इसे वॉश करेगा। अब आप इसमें रिंस भी नहीं कर रहे और स्पिन भी नहीं कर रहे, देन आप इसे यहां से स्टार्ट कीजिए तो कपड़े धोना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम आते हैं हैवी की तरफ। हैवी मींस के जो वजनी कपड़े होते हैं। अब यहां इसने शो किया है कि 48 मिनट्स का टोटल वॉश जो टाइम होगा जो हैवी क्लोथ्स हैं उनका। अब आप चाहते हैं कि लेट्स से वाटर लेवल बढ़ाना या कम करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। आप देखना चाहते हैं कि वॉश टाइम क्या है, 15 मिनट्स है,
रिंस कितनी बार है? दो दफा आप चाहते हैं? नहीं, इसे मैं एक बार ही करूं, यहां एक बार कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि जो स्पिन का टाइम है वो मैं 5 से बढ़ा लूं, लेट से 7 मिनट का कर दूं। अब क्या होगा कि हैवी का जो टोटल जो टाइम होगा इसकी वॉश का, वो होगा 21 मिनट्स। अगर आपको यहां तक ये बात समझ आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलें अब हम आते हैं स्पिन की तरफ। अब इसमें क्या है कि सिर्फ आप कपड़े को स्पिन करेंगे, आप प्रोसेस में आए तो किसी चीज को आप चेंज नहीं कर सकते। सॉरी, इसमें सिर्फ स्पिन ही आएगा क्योंकि आप कपड़े को स्पिन करना चाहते हैं। हाँ, इसका जो आप टाइम बढ़ा सकते हैं स्पिन का, ये देखिए ये मैं बढ़ा रहा हूं, ये मिनट्स में है, ये आप कर सकते हैं 7 मिनट्स का आप स्पिन कर सकते हैं। अब लेट से क्विक में आया मैं बहुत जल्दी में हूं और कपड़े भी मैंने चंदिक डाले हैं और मैं चाहता हूं ये जल्दी से धुल जाए, तो टोटल टाइम आ रहा है इसमें 10 मिनट्स। आप इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, लेवल को बढ़ा सकते हैं। लेट से लेवल मैंने बढ़ा दिया, अब इसके टाइम पे फर्क पड़ेगा। वॉश टाइम को भी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा सा, 8 मिनट्स का कर दें। इसी तरह रिंस को आपने बढ़ा दिया या कम कर दिया, अब इसका जो टोटल टाइम है ये आपके सामने 17 मिनट्स आ गया। चलें अब हम प्रोग्राम में क्विक से जब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो 2 टाइम्स ये ब्लिंक करेगा, फ्लैश करेगा, इसका मतलब कि डीप क्लीन है। देन ये वूल है यानी कि ऊनी कपड़े। इसी तरह डेलिकेट यानी कि बच्चों के जो भी कपड़े होते हैं नाजुक से, अब टोटल टाइम आ जाएगा। आप इसी तरह इस प्रोसेस में जाएंगे, वाटर लेवल को कम ज्यादा, वॉश को कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहां आए तो ये एयर ड्राई है, ये इसमें सिर्फ आप वॉशिंग नहीं कर सकते, रिंस नहीं कर सकते, आपने कपड़े जो गीले हैं उनको सुखाना है। तो ये 60 मिनट्स का होता है ड्राई, और इसमें क्या होगा कि कपड़े तकरीबन 70-80% ड्राई हो जाएंगे। आप उन्हें निकालिए, या तो पंखे के नीचे सूखने डाल दीजिए या बाहर अगर छांव है उसमें रख दीजिए। अब इसी तरह वॉशिंग मशीन में एक बहुत अच्छा जो फंक्शन है वो डिले का है, ये देखिए ये डिले है। डिले का मतलब कि मैं अपने अकॉर्डिंगली, सपोज इस वॉशिंग मशीन को मैं प्लग इन करूंगा, स्टैंड बाय पे आएगी, मैंने कपड़े डाल दिए, डिटर्जेंट डाल दिए और रात के बज गए 10, लेट से 10 बजे मैंने वॉशिंग खत्म कर दी थी लेकिन अब बाकी कपड़े रहते हैं, तो मैं क्या करूंगा कि डिले का एक टाइम जो है वो मैं सेट कर दूंगा कि ये वॉशिंग मशीन खुद ब खुद ऑन हो जाए। तो मैं इसे डिले पे लेके आऊंगा, डिले का टाइम मैं चेंज करूंगा, ये देखें 6, 7, 8, 10, मैं चाहता हूं कि 12 घंटे के बाद ये वॉशिंग मशीन खुद ब खुद ऑन हो। तो ये वॉशिंग मशीन ऑन हो जाएगी और चलना शुरू हो जाएगी। सो ये है इसका डिले का फंक्शन। इसी तरह इस वॉशिंग मशीन में चाइल्ड लॉक का फंक्शन भी है, प्रोसेस और सेट को 3 सेकंड के लिए प्रेस कीजिए तो ये पैनल लॉक हो जाएगा। अब इस वॉशिंग मशीन के कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपने ये जो लिंट फिल्टर्स हैं इसके, इस वॉशिंग मशीन में 2 लिंट फिल्टर्स हैं, इनकी सफाई जो है वो रेगुलर बेसिस पे करनी है। ये देखिए मैं इसे खोलता हूं। अब क्या होता है, कपड़े जब आप धो रहे होते हैं जो इसमें फ्लफ होता है, जो भी लिंट होता है वो यहां आके स्टे करता है और वॉशिंग मशीन के अंदर नहीं जाता। तो आपने जब भी इसे वॉश करना है तो यहां से जो भी मैल या जो लिंट है, जो फ्लफ है, उसे रिमूव करना है। इसी तरह इस वॉशिंग मशीन के टॉप बैक पे एक वाटर इनलेट है। अब पानी में बाज़ूकात कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लाइक सफेद सा वो एक मटेरियल जो यहाँ जम जाता है, इसकी आप टाइम टू टाइम सफाई करते रहें तो वाटर जो है वो यहाँ ब्लॉक नहीं होगा। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज।